21 सितंबर की क्रांति की सफलता हर मायने में यमन के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये बात अंसार अल्लाह आंदोलन के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल होती ने 10वीं वर्षगांठ पर यमन के लोगों को बधाई देते हुए कही। अल होती ने जोर देते हुए कहा कि क्रांति सिर्फ यमन के लोगों की इच्छा से प्रेरित निर्णय था। इस क्रांति के ढांचे के भीतर लिया गया हर कदम और रुख किसी भी भारी प्रभाव या हस्तक्षेप से दूर पूरी तरह से यमनी था। हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जे की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर एक परेड का आयोजन किया। इसमें समूह के सैकड़ों सदस्यों ने भाग लिया। परेड में शामिल होने वाले लोग वर्दी पहने, हथियार लिए, यमन और फिलिस्तीन के झंडे लहराते हुए इकट्ठा हुए। इस मौके पर अल होती ने कहा कि बीते 10 सालों में ढेरों बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद यमनी लोग इस खास लम्हे के गवाह बन गए हैं। यमनी नेता ने जोर देकर कहा कि हमारे लोगों ने 21 सितंबर की क्रांति से एक महान लक्ष्य हासिल किया है, वह है स्वतंत्रता और स्वाधीनता। क्रांति का विरोध करने वाली ताकतें जिसका नेतृत्व अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं सबसे बड़ी हार है, क्योंकि उन्होंने देश पर सीधा नियंत्रण खो दिया है। इस क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है, क्योंकि उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा देश पर हावी होने और उसके संसाधनों का दोहन करने की है। अल होती ने अमेरिका, इसराइल और उसके पश्चिमी सहयोगियों पर पिछले कई सालों से यमन के खिलाफ व्यापक हमले का आरोप लगाया, जिसमें अपराधियों ने सबसे जघन्य अपराध किए, यमन के लोगों पर पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी। इस हमले से अमेरिका ने अपने एजेंट्स का इस्तेमाल करके यमन पर नियंत्रण वापस लेने की कोशिश की। हमलावरों का कोई और उद्देश्य नहीं था, बल्कि देश पर कब्जा करना और देश को नियंत्रित करना था, जबकि वे अपने लोगों की स्वतंत्रता और आजादी छीन रहे थे। दुश्मन देश नियंत्रण हासिल करने में विफल रहे हैं, क्योंकि यमनी लोगों ने इस उपलब्धि और उसकी रणनीतिक गहराई को पवित्र माना है। साथ ही अल होती ने बड़ा संदेश देते हुए कहा कि देश के पास अत्यधिक उन्नत शस्त्रागार हैं, जो कई देशों के पास नहीं है। मिसाइल क्षमताएं इस विकास और प्रभावशीलता का एक प्रमुख प्रतीक है। यमन ड्रोन प्रौद्योगिकी, नौ सैनिक शक्ति और जमीनी बलों के गठन और विकास के मामले में उन्नत स्तर पर है। वहीं हूती नेता ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में कहा कि यमनी लोगों का रुख अडिग और दृढ़ है, वे सभी चुनौतियों, जोखिमों और साजिशों के बावजूद फिलिस्तीनी लोगों के साथ मजबूत एकजुटता के साथ खड़े हैं। हमलावर गठबंधन की ओर से लगाए गए भयानक अपराधों और गंभीर नाकाबंदी के बावजूद यमनी लोगों ने फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में कभी कमी नहीं की है। साप्ताहिक 10 लाख लोगों की सभाएं लगभग बिना किसी रुकावट के जारी रहती हैं। यमनी लोगों ने फिलिस्तीन पर अपना रुख नहीं छोड़ा है, न ही वह आर्थिक या मानवीय दबावों से प्रभावित हुए हैं। यमनी लोग इसराइल की ओर से फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार किए जाने के दौरान चुपचाप नहीं बैठे हैं। इस बीच दो हाइपरसोनिक मिसाइलों को तेल अवीव में एक सैन्य लक्ष्य पर हमला करने में सफलता मिली है, जिसको लेकर यमन के सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख फील्ड मार्शल ने अपने रॉकेटरी बलों को बधाई दी। मेहदी मोहम्मद अल मशात ने कहा कि मिसाइल ने अमेरिकी, ब्रिटिश और इजरायली डिफेंस सिस्टम की सभी लेयर्स को बाईपास कर लक्ष्य पर निशाना साधा। इस दौरान यमन के सर्वोच्च नेता ने चेतावनी भरे लहजे में साफ किया कि आने वाले दिन आश्चर्यों से भरे हैं। जब तक गाजा पर हमला और घेराबंदी जारी रहेगी, तब तक हमारे अभियान भी जारी रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस निर्णय से नहीं रोक पाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बता दें कि यमन साल 2014 से विनाशकारी संघर्ष में फंसा हुआ है। 21 सितंबर 2014 को हूती विद्रोहियों ने कई उत्तरी प्रांतों पर कब्जा किया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार को राजधानी सना से बाहर जाना पड़ा था। हूतियों का अब भी उत्तरी इलाकों के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण कायम है। इसमें सना और रणनीतिक रूप से अहम लाल सागर बंदरगाह हुदैदा शामिल है।